बहुत ही सत्कारयोग समूह लैक्चर साहिबान अते बहुत ही प्यारे विद्यार्थियों, अज अपना लैसन पांचवें अध्याय दे एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिहड़ा लेके आया हाँ, कच्चा लोहा। विद्यार्थियों, इस कच्चे लोहे तो बिना किसी भी चीज़ की उम्मीद करना, किसी भी मशीनरी की उम्मीद करना व्यर्थ है। सुई तो लेके एरोप्लेन तक हर चीज़ जिहड़ी है उहदे विच लोहे का उपयोग हुंदा है। अज आपां उसे लोहे दे बारे, कच्चे लोहे दे बारे विस्तार सहित मैं दसन की कोशिश करांगा। उम्मीद करदा हाँ कि विद्यार्थियों तुसीं अज कापी पेन लेके बैठे हो, नक्शा भी लिता होना, उहदे विच तुसीं मेन मेन जिहड़े उत्पाद खेत्र हैगे उहदी किस्मां, उहदा इतिहास की है, किन्ना प्रोडक्शन है, किन्ना आयात हुंदा, किन्ना निर्यात, उहदे बारे आपां ब्रीफली थोड़ा थोड़ा टॉपिक नूं कवर करदे होए सारा उहदे बारे जानकारी तुहानूं मुहैया करावांगे। विद्यार्थियों, पहलां तां इह आपां नूं पता होना चाहिए कि कच्चा लोहा है कि कच्चा लोहा जिहड़ा है खाना जो जिहड़े पत्थर निकलदे है वो कच्चा मैनुफैक्चरिंग तो पहला जिहड़ी पदार्थ हुंदा है उसनू आपां कच्चा लोहा कहांगे। फिर ये दुनिया के विच की इतिहास है इहदा, एक विद्यार्थी बहुत ही महत्वपूर्ण सर्वव्यापक खनिज पदार्थ हैगा जिसनू सारे ही उद्योगों की आपां रीढ़ की हड्डी कहांगे। इस तो विद्यार्थियों नाल दी नाल ये इंपोर्टेंट टॉपिक तुसी नोट करते जाना क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछ लेंदे है भी किहड़े उद्योग नूं या किहड़े खनिज पदार्थ नूं उद्योगों की रीढ़ की हड्डी कहिंदे है या रीढ़ की हड्डी कहिंदे है। उहदे विच कोई भी मिनरल्स का नाम लिख सकते हो, तुहानूं उहदे विच एक लोहा भी होगा, ये नाल दी नाल तुसी नोट करते जाओगे। तो जिहड़ा विद्यार्थी इस ते आधारित हुंदा है उसनू मुढ़ला उद्योग कहिंदे है क्योंकि विदाउट जिहड़ा आयरन है, बिना लोहे तो किसी भी चीज़ की, किसी भी इंडस्ट्री की आपां उम्मीद करना व्यर्थ है क्योंकि किसी भी इंडस्ट्री के विच तुसीं अगर चात मारोगे उहदे विच छोटी तो छोटी नट तो लेके वड्डी वड्डी मशीनरी जिहड़ी है वह सारे ही लोहे की बनी हुंदी है। तो इसलिए इसनू बेसिक इंडस्ट्री कहिंदे है, मुढ़ला उद्योग कहिंदे है। किसी देश के लोगों का जिहड़ा जीवन का पद्धर है उतों उस देश की जिहड़ी खनिज पदार्थ हुंदे है, खास करके अगर उहदे विच लोहा है, लोहा उत्पादन दे विच उह देश मोहरी है, तो उस देश दे विच विकास उच्चे शिखरां दे विच होएगा। तो विद्यार्थियों, सब तो पहला जिहड़े लोहे दे बारे आपां नूं 600 BC दे विच पता लग्गिया सीगा, पर लोहे दे इतिहास दे जिहड़े ईसा पूर्व इतिहास जिहड़ा आपां नूं मिलिया है वह 3500 ईस्वी पूर्व मिलिया सीगा। फिर विद्यार्थियों, इसका उत्पादन जिहड़ा होया सीगा 1300 BC दे विच इहदे लोहे दे तार दे विच उत्पादन शुरू होया सीगा, मध्य पूर्व देशां दे विच शुरू होया सीगा, आपां कह सकते हैं यूरोपियन जिहड़े कंट्री है उहनां दे विच। अग्गे नक्शे दे विच मैं तुहानूं दिखावांगा कित्थे सब तो पहलां स्टार्ट होया सीगा। फिर इहदा जिहड़ा सरगम उत्पादन होया सीगा, जदों तेज़ गति नाल आपां कह सकते हैं कि इहदा उत्पादन स्टार्ट होया सी, जोर्डन च होया सी, साउथ वैसट एशिया दे विच होया सीगा, उह वी तुसीं नोट कर लो। 1000 BC दे आले दुआले देखिया गया सी, इहदे जिहड़े आपां नूं अवशेष प्राप्त होए है उहदे आपां नूं पता लगता है कि 1000 BC दे आस पास सीगा। उहदे विच विद्यार्थियों पूर्वी देशां दे वल जिवें तुर्की हो गया, ग्रीक हो गया, बाकी यूरोपियन कंट्री है जिवें इस नक्शे दे विच देखोगे, इहदे विच सीरिया हो गया, इत्थे उत्पादन इहदे नाल नाल जिहड़े वी सी ना इह सारे आपां उहदे विच पूर्व इतिहास दे विच लिख सकते हैं। इस नक्शे दे विच देख सकते हो वी इह भारत दे कड़ी दिशा दे विच है, भारत एक इस दिशा देखो इहदे बिल्कुल वैस्ट साइड दे विच है। विद्यार्थियों, हुण भारत की गल करिए, तो भारत की जिहड़ी GDP है, कुल घरेलू उत्पाद है, उहदे विच जिहड़ा इसका उत्पादन उत्पादन का हिस्सा है 2.2 तो लेके 2.5
परसेंट है। फिर इस आपां एक किन्ने प्रकार के खनिज होंगे है, ठीक है, तात्मिक खनिज, यह तात्मिक खनिज, तात्मिक खनिज विद्यार्थी वो खनिज जिन्हां दे विच वधेरी तातू के जिहड़े गुण होंगे है, तत् होंगे है, जिमें बहुत ही दुर्लभ या कुदरती तौर पर बनया गाढ़ापन होंगे हैं, जिन्हां विच खनिज भंडार होंदा है। इहदे विच जिस तों आपां कह सकते हैं भी तात्मिक खनिज जिहनूं आपां कोई भी वस्तु नूं आकार दे सकते हैं, जिमें लोहा है, सिल्वर है, सोना, निकल, तांबा, जिंक, बहुत ही उद्देशों के इस कल्पना भी नहीं कर सकते जी, आप सोच भी नहीं सकते भी यह खनिज अपने जीवन के किन्ने ही महत्वपूर्ण है। फिर विद्यार्थियों का दूजा रूप हैगा एतात्मिक खनिज, गैर तातु समूह जिहड़े रसायनिक तत्तां दा एक विशेष समूह हुंदा है, जिन्हों पिघलाए जाण तों बाद इस दे उत्पाद, इहदा उत्पाद नहीं बनाया जा सकता कह सकते हैं, इहनूं पिघलाउण तों बाद इहनूं की है कि इहदा उत्पाद नहीं बनाया जा सकता, इहनूं कोई रूप नहीं दिता जा सकता, जिवें सोने चांदी पित्तल तांबे नूं आपां रूप दे सकते हैं, इस नूं नहीं दिता जा सकता, जिवें रेत है, बजरी, चूना पत्थर, संगमरमर, ये जिहड़े चीज़ां हैगियां इह पत्थर इहदे विच आंदे है। फिर आपां कह सकते हैं अतात्मे इहदे वी आपां दो पार्ट कर सकते हैं, पहला पार्ट जिहड़ा हैगा जैविक खनिज ते अजैविक खनिज। विद्यार्थियों ये बहुत इंपोर्टेंट है, इस नोट करने वाला है, ये भी पूछ सकते हैं कि क्वेश्चन दे विच भी जैविक खनिज किहड़े हन, ठीक है, तो या अजैविक खनिज, इन्हां दोनों दे विच इक उदाहरण दे के तुहानूं ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन, किसी भी तुसीं कंपीटिशन एग्जाम दे विच बैठे हो उहदे विच ही पूछा जा सकता है, या तुसीं बोर्ड दे एग्जाम दे विच ही पूछा जा सकता है। एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन भी हैगा, ठीक है, जैविक ते अजैविक खनिज किहड़े हुंदे हन, उहनां दा उदाहरण, उदाहरण दे बारे तुहानूं जेकर उदाहरण दे बारे पता है कि तुसीं इस नूं बड़े ही अच्छे तरीके नाल तुहाडे क्वेश्चन नूं तुसीं हल कर सकते हो। भारत एक विकासशील देश होने का मुख्य कारण लोहे के उत्पादन के इस दा अग्रणी स्थान होना है। हुण आपां इहदे विच इह भी देखांगे भी भारत दा दुनिया के किहड़ा स्थान हैगा, पहला है, दूजा, तीजा, चौथा, चौथा स्थान भारत दा हैगा। अगे आपां पहले, दूजे, तीजे दे विच बकायदा आपां मैप दे राहीं तुहानूं दसांगे भी किहड़ा देश च किहड़े साल दे विच कित्थे सीगा ते हुण वर्तमान दे विच कित्थे है। वर्तमान दे विच विद्यार्थियों पुल उसारना है, रेल लाइना बिछाउणा है, समुद्री जहाज, आवाजाई दे साधन जां कोई मशीनरी, जिवें तुहानूं पहलां दस्सिया सीगा वी बिना लोहे तों आपां इन्हां चीज़ां दी उम्मीद करना व्यर्थ है, क्योंकि किसी भी उद्योग नूं चलाउण दे लई मशीनरी दी जरूरत हुंदी है, उस मशीनरी दे विच जिहड़े पुरजे हुंदे है विद्यार्थी उह सारे ही किहदे हुंदे है, लोहे दे हुंदे है। इस खातर लोहे दी जिहड़ी उद्योग है, लोहा कच्चा माल होगा फिर ही इस्पात उद्योग होएगा, इस खातर लोहे दी, क्योंकि इस्पात उद्योग तां ही चलेगा जे कच्चा पदार्थ अपने कोले हैगा, तां यानी कि अपने कोले रॉ मटीरियल उहदा होना बहुत जरूरी है, फिर ही आपां उस इंडस्ट्री दे विच उन्नति कर सकते हैं, उहदा विकास कर सकते हैं, अपने देश का फिर ही विकास होएगा। देखो विद्यार्थियों, भारत का इतिहास जिवें आपां दुनिया का इतिहास पढ़िया बहुत पुराना इतिहास है, 6000 BC फिर आपां पढ़िया सीगा, 3500 ईसा पूर्व सीगा, फिर 1000 BC दे विच उत्पादन होया, ठीक है। भारत दे विच ईसा तो 400 वरे पहला भारत दे विच लोहे दे तीर या होर हथियार बनन दे सबूत प्राप्त होए है। ये विद्यार्थियों एक जनरल नॉलेज का भी है भी कदों आपां नूं इहदे मिले सीगे इतिहास दे विच। दिल्ली दे विच स्थित कुतुब मीनार दे नेड़े लोहे दे स्तंभ भारत दे लोहा इंजीनियरिंग दा वड्डा सब तों वड्डा सबूत हैगा, ये भी तुसीं नोट कर सकते हो। 2014-15 तक संसार विच लोहे दा तीसरा सब तों वड्डा उत्पादक देश बन चुका सीगा। देखो विद्यार्थियों, ये आंकड़ा है 14-15 दा, ठीक है, पर आपां जो गल करिए 2019-20 दी गल करिए ते आपां चौथे नंबर ते हैं, ठीक है, क्योंकि देखो विद्यार्थियों जिहड़ी डिजिट ते आपां हुंदे हैं, जिहड़े नंबर ते हुंदे हैं, उहदे अग्गे पिछे हो सकते हैं उत्पादन दे विच, हर साल इहदा की है कि उत्पादन वखरा वखरा हुंदा है, जिवें पहलां हुण 14-15 दे विच इह आपां कह सकते हैं तीसरे थी, हुण चौथे ते आ गया सीगा, आ गया है। तो फिर स्पंज आयरन दे उत्पादन विच लोहे दी वरतों करके
पैदा किया जाता। स्पंज विद्यार्थियों की एक डायरैक्ट रिड्यूस आयरन है जिहड़ा सीधा कटिया लोहा है, तो भारत दे विच इह स्पंज आयरन ज़्यादा आपां नूं पाया जाता है क्योंकि ये अच्छी क्वालिटी का कोयला नहीं पाया जाता। फिर अगे भी दसांगे भी आयरन की जिहड़ी किस्म हैगी उहदे विच भारत दे विच कीहड़ी किस्म पाई जाती है, उस सब तो वधिया किस्म कीहड़ी है, वह विद्यार्थियों बहुत जरूरी है नाल दी नाल नोट करते जाना। फिर ये जो आप उत्पादन की गल करिए कि किन्ना उत्पादन सी, 14-15 के 97 लाख टन कच्चे लोहे का उत्पादन सीगा, ये नोट कर लेना विद्यार्थियों। विद्यार्थियों तुसी नक्शा देख रहे हो, ये जिहड़े महत्वपूर्ण जिहड़े उत्पादन के खेत्र है वो थोनों मैं दसूँगा। देखो भारत देखो उत्पादन दे विच, ठीक है, फिर जर्मनी इधर, यूरोपियन कंट्री इत्थे, ठीक है, साउथ अफ्रीका, आस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, दक्षण अमरीका दे विच, यूएसए दे कुछ स्टेट्स है जिहड़े उत्पादन दे विच सब तो मोहरी है। इस तो लोकेशन तो पता लगेगा कि दुनिया दे विच उत्पादन जिहड़ा है किहड़ी कंट्री दे विच है या किहड़े महाद्वीप दे विच है, आपां नूं इस नक्शे तो राही यह जानकारी प्राप्त हो रही है। फिर विद्यार्थियों देखो उत्पादन दे विच आपां इस देख के इसनूं सब तो पहला चाइना, आस्ट्रेलिया, ब्राज़ील ते इंडिया, ये चारां दे बारे पहले जिहड़े चार स्थान है विद्यार्थियों तुहानूं पता होना चाहिए है कि उत्पादन दे विच जिहड़े मोहरी जिहड़े दुनिया दे विच जिहड़े देश है वह किहड़े किहड़े हन। देखो विद्यार्थियों इन दोनों के विच कंपीटीशन रहिंदा है कि आस्ट्रेलिया नंबर पर आया जाता है कि चाइना आया जाता है। ये 2015-16 के अनुसार तो वर्तमान की गल करिए 19-20 की गल करिए तो आ की है कि आस्ट्रेलिया पहले तो आ गया तो आ की आ गया दूजे चाइना दूजे नंबर पर आ गया, फिर ब्राज़ील तीजे नंबर पर ही है, पर तीजे नंबर पर की है कि जो पिछे आप कहते हैं 14-15 के इंडिया की सी तीजे नंबर पर सी, वर्तमान के जोड़ा है 19-20 के आंकड़े आप करिए पिछले गल करिए साल के तो आप इंडिया की है चौथे नंबर पर आ गया, जिहड़ा की है कि तुम इस देख रहे हो यह तो की है कि थोड़ा जहा वध चुका है, ब्राज़ील में की है कि पीछे छड़ता, बहुत प्रोग्रेस की है इंडिया ने उत्पादन कच्चे लोहे के उत्पादन। हुण इसे नूं आपां एक बार डायग्राम दे राहीं इस नूं इहदी तुलना कर सकते हैं विद्यार्थियों। देखो इहदी ग्राफ किवें गिर रहा है देशां दा, ठीक है, पहले चार आपां नूं पता होना चाहिए दुनिया दे विच पहले चार और भारत दे विच किहड़े स्टेट हैगे उहदा भी आपां नूं 4-5 स्टेटां दा पता होना चाहिए है, पहले दूजे तीजे चौथे ते पंजवें। हुण देखो पंजवें 2014-15 के आंकड़े जो मैं दसे तुहानूं, देखो चाइना पहले नंबर पर, आस्ट्रेलिया, हुण जिहड़ा पिछली स्लाइड तुहानूं दसे सीगा ये आस्ट्रेलिया की आ गया सीगा ये उत्थे भी दूजे नंबर पर है, परंतु 2019-20 दे विच जिवें दस के हटिया तुहानूं ये विद्यार्थी पहले नंबर पर आ गया, चाइना की हो गया दूजे नंबर पर आ गया, और इंडिया की है कि चौथे नंबर पर है ही इस दिख रहा आपां नूं, और तीजे नंबर पर ब्राज़ील, ब्राज़ील तो इंडिया का कंपीटिशन रहिंदा है, उधरों आस्ट्रेलिया तो चाइना का रहिंदा है, ये दो देश जिहड़े आपस में कंपीटिशन के रहिंदे है 19-21 का फर्क होंदा है उत्पादन। फिर आपां पिछे होर थोड़ा चलीए, ये चाइना पहले सीगा, ठीक है, फिर आस्ट्रेलिया सी, फिर ब्राज़ील सीगा, फिर भारत सीगा, ठीक है, 2013 दे विच भी चाइना मोहरी सीगा, 14 दे विच भी मोहरी सीगा, 14-15 दे विच, परंतु दो सालां दे बाद जिहड़े आपां नूं नवें आंकड़े जिहड़े है प्राप्त होए उहदे विच की है कि आस्ट्रेलिया की चाइना की हो गया दूजे नंबर पर हो गया, आस्ट्रेलिया पहले नंबर पर हो गया, ब्राज़ील तीजे नंबर पर हो गया, तो इंडिया कितना हो गया चौथे नंबर पर हो गया। ये जिहड़ी तुसीं वर्तमान दे विच जो आंकड़े की गल करोगे तो यही जिहड़े तुहानूं दस्सिया गया यह है कि जे आपां 14-15 दे गल करांगे फिर की हुआ, फिर तुहानूं दस्सिया सी कि चाइना पहले ते है, फिर आस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, इंडिया। फिर विद्यार्थियों बहुत ही महत्वपूर्ण लोहे की किस्म, इहदे विच विद्यार्थियों थोड़े 2-4 क्वेश्चन जरूर आउणगे थोड़े
ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਣੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਵਧੀਆ ਕਿਸਮ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਹੇ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਲੋਹੇ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਕਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੁੰਬਕੀ ਗੁਣ ਕਿਹੜੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਲੋਹੇ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੋਹੇ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਲੋਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦੀ ਝਲਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਫੋਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋ ਇਹ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੈ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਲੋਹਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਗਨੀਟਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਲੋਹਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਇਹ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਲਿਖਿਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੀ ਧਾਤ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸ਼ੁੱਧ ਲੋਹੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਸ਼ ਹੈ 72% ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਉਂਦੇ ਜਾਣਗੇ ਉਵੇਂ ਉਹਦੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਲੋਹੇ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਰਦੇ ਜਾਣਗੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਟਾਪੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 73% ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਦੇਖੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਕਰਨਾਟਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਰੀ ਰਾਜ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਟੇਟ ਵਾਈਜ਼ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨਾਟਕ ਰਾਜ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਸਾਊਥ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪੀ ਭਾਰਤ ਹੈ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਹੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਹੈਗੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗੀ ਪੂਰਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪੀ ਭਾਰਤ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੱਖਣ ਦਾ ਪਠਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਲੋਹੇ ਦੇ ਕੱਚੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭੰਡਾਰ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਹੈ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 90% ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲੋਹਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕਿਸਮ ਤੋਂ ਕੀ ਉਹ 72 ਸੀਗਾ ਇਹ 60 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 70-69 ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਧਾਤ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਰੰਗ ਲਾਲੀਪਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇਸ ਖਾਤਰ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਉਹਦੀ ਅੰਸ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਹੈਮੇਟਾਈਟ ਦੂਜੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖੋ 80% ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੱਧ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਇਸ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ UPSC ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ PCS ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈ ਆਮ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੀ ਲੋਹੇ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਦੇਖੋ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਵਾੜ ਦੀ ਚਟਾਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਰੂਪਾਂਤਰੀ ਚਟਾਨਾਂ ਹੈ ਮੈਟਾਫੋਰਬਿਕ ਸੈਂਡੀਮੈਂਟਰੀ ਰੋਕਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਡੱਪਾ ਜਿਹੜੀ ਚਟਾਨਾਂ ਹੈਗੀ ਖਾਨਾ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਮਾਈਨਸ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁਡੱਪਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚਟਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਈਨਸ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੈ ਧਾਰਵਾੜ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਚਟਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੈਮੇਟਾਈਟ ਜਿਹੜਾ 80% ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੇ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਲੋਹੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਥੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਊਥ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਟੇਟ ਹਨ ਪੱਛਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਰਨਾਟਕ ਹੋ ਗਿਆ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਗੋਆ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕੱਚੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਫਿਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਤੀਜੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਲਿਮੋਨਾਈਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਪੀਲਾ ਰੰਗ ਉਹ ਹਲਕਾ ਭੂਰਾ ਪੀਲਾ ਰੰਗ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਲਕਾ ਭੂਰਾ ਰੰਗ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਚਨ ਇਹ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਧਾਤ ਜਿਹੜੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਚਾਰੇ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ MCQs ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਐਵੇਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਲਕਾ ਭੂਰਾ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀਲਾ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੈ ਦੋਨੇ ਹੀ ਸਹੀ ਹੈ ਦੋਨੇ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹਲਕਾ ਭੂਰਾ ਅਤੇ ਪੀਲਾ ਰੰਗ ਦੇ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਉੜੀਸਾ ਇੱਥੇ ਕਹੇਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ
की है लिमोनाइट किस्म का जिहड़ा है लोहे की जिहड़ी तात है इत्थे पाई जाती हैगी। तो ये धरती तो कढ़न तो बहुत ज़्यादा घट खर्चा आता है, ये भी नोट कर सकते हो। फिर विद्यार्थी जी चौथी जी किस्म है सिडराइट किस्म, शुद्ध लोहे की जी 40 तो लेके 50 प्रतिशत बिल्कुल घटिया क्वालिटी है, जिमें आप कह सकते हैं जिमें यह लोहा है जो इसनों आप कह सकते हैं कि सब तो ज़्यादा की है इनू गलाने हैं ना जो सब तो ज़्यादा ये धुआं छड़ सकता है, इनू आप कह सकते हैं भी इनू मेन घटिया किस्म का लोहा भी कह सकते हैं। इसनों अगर इस पॉइंट नू ना भी करोगे तो इनू इसनों लिख सकते हैं कि यह सब तो घटिया किस्म का लोहा है। चौथी किस्म हैगी सिडराइट, इनू क्रमवार याद रखोगे थोड़े वैसे राज दू वधिया किहड़ा है, दूजा किहड़ा है, फिर तीजा किहड़ा है, चौथा किहड़ा है। फिर सिडराइट आंध्र प्रदेश के झारखंड के गोवा केरल तमिलनाडु कर्नाटक इन सूबे पाया जाता है, ये तुम देख सकते हो थोड़े चमकीले रंग के होंगे है, शाइनिंग होंगी है थोड़ी ज़्यादा इस लोहे के। भारत का जो दक्षण पठार है जिमें दसिया जे पांच राज है स्टेट है उन्होंने उन्होंने हम आप क्रमवार अगे देखा पहला राज केड़ा हैगा, दूजा केड़ा है, तीजा केड़ा, चौथा, वो कि खेत्र आते हैं वो विद्यार्थी तुम्हें इस नोट करते जाना कापी के उत्ते, जिमें नक्शे से दसूँगा तो नक्शे के जो पॉइंट है उसनों भी तुम नोट करते जाना भी कितने जो उत्पादन है वह हो रहा है। देखो विद्यार्थी जिहड़े दक्षण पठार दे जिहड़े या कह सकते हैं कि पैदवी भार दे विच लगभग 100% ही हो गया 99% जो लोहा है इत्थे पाया जाता है, वो कर्नाटक जिहड़ा है कर्नाटक सब तो वड्डा उत्पादक राज है, पहले नंबर पर कर्नाटक राज है। थोड़े क्वेश्चन आता है कि लोहे उत्पादन के मोहरी राज केड़ा है, वो थोनों इन्हों के ही थोनों नाम दे सकते हैं, जिमें कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कोई भी चार नाम दे दे उन्होंने थोनों पता होना चाहिए उत्पादन के सब तो जो मोहरी राज है वो केड़ा है, वो विद्यार्थियों कर्नाटक है। कर्नाटक विद्यार्थियों 1/4 जो हिस्सा है वो जो है सारे ही भारत का ही उत्पादन करता है, ये जिहड़े महत्वपूर्ण उत्पादक खेत्र है वह भी तुम इस नोट कर लो, जिमें चिकमंगलूर हो गया जिले के, बाबा बुद्धन की पहाड़ियाँ हो गया, बिलारी हो गया, बिलारी के सदूर, होसपेट, चित्रदुर्ग, शिमोगा, धारवाड़ जिहड़ी खाना है इन्हां दे खेत विच विद्यार्थी ये पाया जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर विद्यार्थियों इहदे विच एक होर है भी ये की है कि भारत के आ नक्शे दे तुसी देखोगे इत्थे कि जिहड़े जिहड़े ये है तो इहदे विच जिहड़ा किहड़ियां खाना हैगियां इहदे बारे भी तुसी नोट कर सकते हो। ये विद्यार्थियों बिलारी ते कुंदरे मुख दो पहाड़ियाँ है खाना है सॉरी खाना दे विच जिहड़ा है कि ये सब तो ज़्यादा जिहड़ा है ये भी पूछ सकते हैं कि जिहड़ा बिलारी ते कुंदरे मुख जिहड़ी है ये जिहड़ी खाना है किस दियाँ है किहड़े खनिज पदार्थ दियाँ है या ये पूछ सकते हैं कि किहड़े राज दियाँ है ठीक है। ये जिहड़ा बिलारी है बिलारी तो इत्थे है बिल्कुल नाल दूजे स्टेट भी कवर करता है या दूजे कुंदरे मुख है जिहड़ा वो बिल्कुल साउथ तो इधरली साइड च आपां कह सकते हैं थोड़ा जिहा हट के इधर अरब सागर जिहड़ा है उहदे नाल लगता जिहड़ा ये एक खाना पाई जांदियां हैगियां। फिर विद्यार्थियों उड़ीसा भारत के कुल उत्पादन के विच इह इहदा जिहड़ा 22% जिहड़ा हिस्सा है कच्चे लोहे का उत्पादन हुंदा है, इहदे विच सुंदरगढ़ हो गया, मयूरभंज हो गया, कटक, कोरापूट खेत्र, ये विद्यार्थियों घट्टो घट दो तीन नाम थोड़े याद होने चाहिए किसी भी अगर उत्पादन करते हो अच्छे नंबर प्राप्त करने के लिए। फिर विद्यार्थियों बाराबिल कोयरा विच हेमेटाइट किस्म के लोहे के भंडार मिलते हैं, ये ये भी यह दस्या भी कि ये किहड़ी किस्म के लोहे के भंडार प्राप्त हुए है ठीक है। फिर है तीजा जिहड़ा उत्पादक खेत्र है छत्तीसगढ़। फिर गल आई है कि ये भी किहड़ी किहड़ी खाना है ये भी आपां नूं पता होना चाहिए। उड़ीसा दे विच विद्यार्थियों उड़ीसा जिहड़ा है उहदे विच एक ही खान है जिहड़ी बिल्कुल आपां देखदे हैं कि भारत दे इत्थे उड़ीसा इत्थे सेंटर पॉइंट दे विच मयूरभंज जिहड़ी है कोयली दी खान मयूरभंज।
म्यूरपन जी है कोयले की जी महत्वपूर्ण जी खान है माइन है कि पाई जाती है उड़ीसा राज दे विच पाई जाती है। ठीक है, ये भी तुसी नोट कर सकते हो। फिर है विद्यार्थी छत्तीसगढ़ भारत के कुल लोहे के उत्पादन का 18% देखो उत्पादन इतने 22 सी इतने घट गया ना पाया जाता है। ये एशिया का सब तो वड्डी जिहड़ी बेला डीला खान ये भी बहुत इंपोर्टेंट है। बेला डीला खान जी है कि राज पाई जाती है ये उत्पादन के छत्तीसगढ़ केड़ा स्थान है तीजा वो कर्म भी मैं विद्यार्थी उही ये लिखने की कोशिश की है जेडे पहले ते केड़ा है दूजे ते केड़ा है तीजे ते केड़ा है। ठीक है, मुख उत्पादक ये बस्तर ते दुर्ग जिला है। फिर ये गल आती है कि ये जिहड़ा केड़े जी खाना है एक तो थोनों मैं दस दिता एक बेला डीला जी खान है। ठीक है, बेला डीला बिल्कुल जिहड़ा छत्तीसगढ़ के बिल्कुल साउथ के स्थित है बेटा जिमें मान लो छत्तीसगढ़ है इतने साउथ के की है कि यह जिहड़ा बेला डीला खान है यदि लोकेशन भी तुसी अगर बनाओगे तो इनू साउथ पार्ट के दिखा अगे नक्शे के मैं दिखाने का प्रयास किया है पर इस टॉपिक के इतनी थोड़ा मैं दसन की कोशिश कर रहे हैं। फिर जी दुर्ग दूजी है वह की है कि इतने एक स्थित है सेंटर पॉइंट तो थोड़ा इधरली साइड आप करके इस देख सकते हैं भी छत्तीसगढ़ की दो जड़िया है एक तो हो गया दुर्ग तो दूजा बेला डीला दो खाना है। ठीक है, इसनों तुसी नोट कर लो। फिर चौथा विद्यार्थी गोवा जिहड़ा मुख उत्पादक तीन उत्पादक खेत्र थोड़े पहले तो तीन है वह याद होनी चाहिए भी पहला दूजा तीजा किहड़ा है फिर उसके बाद अगे कि स्टेट आते हैं। गोवा विद्यार्थी 18% है मुख उत्पादक किहड़े है मानमगाओ बंदरगाह मांडवी है ना। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। फिर झारखंड जिहड़ा है पांचवा नंबर यदा 25% भंडार मिलते हैं। देखो भंडार विद्यार्थी अड्ड हों उत्पादन अड्ड हों भंडार ज़्यादा हो सकता है उत्पादन घट हो सकता है ये भी तुम देखना ये जो उत्पादन है जो देखो भंडार तो ये 25% है पर उत्पादन कि 14% ही होंगे है। ये सिंह भूमि नुआ मुंडी कोटा मुख ये विद्यार्थी ये मुख्य उत्पादक खेत्र है। ये कच्चे लोहे के उत्पादक देखो विद्यार्थी जो मैं दसेगा। ठीक है, आ जे उ स्टेट है जिहड़े थोनू मैं हुणी दस्सिया भी किन्ने किन्ने दे फाइनेंस ईयर किन्ना उत्पादन होया सीगा है ना 16 दे विच किन्ना होया सी दोनों का उत्पादन किया इहदे विच कंपैरिजन करके ना हरेक स्टेट का किन्ना किन्ना होया सीगा इहदे विच भी आपां थोड़ा निगाह मार सकते हैं नक्शे दे विच भी आपां निगाह मार सकते हैं। फिर विद्यार्थी इहदे विच उही जिहड़े उत्पादन खेत्र दस्से सी बिहार उड़ीसा जिहड़ी बैल्ट हैगी ये जिहड़े है सिंह भूमि सुंदरगढ़ जिहड़ा है ये भंडार है डिस्ट्रीब्यूशन पाया जाता है। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र की जिहड़ी थोड़ा नाल महाराष्ट्र भी लगता है ये नाल ये दुर्ग हो गया बेला डीला जिहड़ी पिछे दस के हटिया थोनों मैं तमिलनाडु के। ठीक है, ये अपने आप कह सकते हैं इनू पांचवें नंबर छेवें ते लै सकते हैं पांचवें ते क्योंकि ये पांचवें पंजां च है नहीं ये इत्थे न्याली जिहड़ा है ये भी आपां उत्पादक खेत्र हैगा। फिर गोवा के जिहड़ी है रत्नागिरी हो गया बैल्ट। ठीक है, ये भी पूछ सकते रत्नागिरी कितने पाई जाती है कर्नाटक के कुंदरे मुख हो गया चिकमंगलूर हो गया शिरबोगा हो गया ये भी महत्वपूर्ण है इसनों भी तुसी कापी ते नोट कर सकते हो। देखो नक्शे देख रहे हो कि कितने कितने उत्पादन होंगे इस तो थोड़ा आइडिया लग जूगा कि पार दे बिल्कुल प्रायद्वीपी पार दे विच उत्पादन होंगे है। फिर ये जो निर्यात होंगे है देखो विशाखापट्टनम बंदरगाह तो होंगे है पारादीप उड़ीसा तो होंगे है ना कितों कितों आप यदा निर्यात भी उत्थे होगा जिथे उत्पादन होंदा है। फिर देखो यदी खाना की गिनती ठीक है किन्नी किन्नी खाना है। ठीक है, ये थोड़ा जहा पता होना चाहिए ज़्यादा इन्ना इंपोर्टेंट नहीं है भी खाना दे विच कोई क्वेश्चन पूछे जा सकता है परंतु थोड़ा जहा अपन अगर वड्डा क्वेश्चन लिखती क्वेश्चन अगर करना पै जाता तो आप लिख दिए तो अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हाँ। फिर प्रमुख भंडार जी पिछे आप गल किया है। ठीक है, कर्नाटक के बेलारी होसपोर्ट सैक्टर जिहड़ा है झारखंड के उड़ीसा सैक्टर अड्ड अड्ड सैक्टर बने हुए है जी। ठीक है, दो जिवें पिछली स्लाइड के दस्या सीगा। ठीक है, ये गोवा तो महाराष्ट्र के सैक्टर के कुंदरे मुख सैक्टर कर्नाटक के हर जिहड़ी है नक्शे के दसन का प्रयास किया भी कि बैल्ट कितने देखो ये दोनों आ गया ये। ठीक है, स्टेट में स्टेट याद होनी चाहिए कि स्टेट के लगता है वो अच्छा याद हो सकता अपन।
ठीक है, 17 दे विच उत्पादन किन्ना सीगा, केड़े उड़ीसा देखो किन्ना है, फिर ठीक है छत्तीसगढ़ हो गया, कर्नाटक हो गया, ठीक है ये पुराने आंकड़े है, जिहड़े वर्तमान दे आंकड़े मैं दस्से सी वो याद रखना। फिर इस नक्शे च आप देखा ये भी सब तो ज़्यादा फाइनेंशियल 9 दे विच किन्ना सीगा, 11 10 किन्ना, 11 12 ठीक है, अड्ड अड्ड साल वाइज ये की है कि उत्पादन देखो पहला घट सी फिर वध गया फिर घट गया फिर घट गया घट गया है ना, थोड़ा थोड़ा ए करके ये ग्राफ की है कि उच्चा नीवा हो रहा है। इस खातर ये चीज़ का पता होना चाहिए कि उत्पादन कदों वध्या कदों घट्या, आप तुलना कर सकते हैं। इस फिर ये निर्यात आप करते हैं कि निर्यात जो 17 तो लेके 2020 किन्ना किन्ना होया सी, ठीक है, एक्सपोर्ट टू जापान सब तो ज़्यादा आप जो निर्यात जापान नू करते हैं, दक्षण कोरिया नू करते हैं, ठीक है, दो जड़े है सब तो ज़्यादा भारत जी लोहा नू खरीदने वाले देश है, ठीक है, आप इस नू एक्सपोर्ट करते हैं, वो आप तो की करते हैं इंपोर्ट करते हैं। देखो भारत संसार का पांचवा वड्डा लोहा उत्पादक देश है, ठीक है, इनू आप चौथा कर सकते हैं फोर्थ, ठीक है, और देश का 50-60% जो लोहा है जापान नू आप भेजते हैं, कोरिया यूरोप होर देशों भी भेजते हैं। फिर व्यापार नीति के आधार पर देश के कुल जरूरत मुताबक जो है इस पाद जो आयात करता है, इस देख सकते हैं आप आंकड़े के अनुसार, ठीक है, देखो ये सब तो ज़्यादा जोड़ा कि 14-15 93% जोड़ा हो गया है, ठीक है, घट गया अगर वध गया ये चलता रहा है, इसमें आप स्लाइड के राही देख सकते हो, देखो पहला घट सी फिर वध गया फिर वध गया फिर घट गया फिर एकदम की हो गया वध गया, इस पर आप अंदाजा ला सकते हैं भी कितने आप इंपोर्ट के किन्ना अपना है। ये आप देख सकते 11-12 के किन्ना सी, 10-12 के किन्ना सी उत्पादन, 2014-15 के किन्ने लाख टन वधिया जो लोहे का उत्पादन होया सीगा, उसनू आप स्लाइड के राही देख सकते हैं। ये देखो विद्यार्थियों ये ग्राफ की है वध रहा है, 13-14-14-15 में थोड़ा फर्क पे है एक्सपोर्ट के। इस दे विच तुसी विद्यार्थियों देखते हो कि जिहड़ा आयरन प्रोडक्शन एक्सपोर्ट है, नक्शे आस्ट्रेलिया है ब्राज़ील साउथ किन्ना जिहड़ा है एक्सपोर्टिंग टू चाइना करता है, इस टॉप जिहड़े एक्सपोर्ट है ना जिहड़े दुनिया दे विच उहदे विच आपां देख सकते हैं कि सब तो ज़्यादा जिहड़ा आस्ट्रेलिया एक्सपोर्ट करता है, ब्राज़ील करता है, ठीक है, साउथ अफ्रीका करता है, ईरान करता है, इंडोनेशिया, फिर दसवां आप कह सकते हैं कि 10वें नंबर पर की है इंडिया हैगा, ठीक है, पहले जिहड़े 5 है होर देश हैगा, फिर आप 6-7-8-9 जिहड़े हैगे उन्हां दा कोई जरूरत नहीं भी किहड़ा करता हैगा उत्पादन दे विच ते किहड़ा नहीं करता, मेन आपां नूं पता होना चाहिए कि इंडिया जिहड़ा है 10वें नंबर पर जिहड़ा निर्यात दुनिया दे विच जिहड़ा निर्यात करन दे विच हैगा, प्रोडक्शन भी देख सकते हैं आउटपुट किन्ना है एशिया दे विच, ठीक है, ये अंक 2002-2003-2004 है ना, ये विच देख सकते हैं भी किस तरीके नाल ये वध रहे हैं। फ्यूचर विद्यार्थियों आने वाले 10 सालों के इस कच्चे लोहे के इस्पात के उत्पादन तीसरे तो दूसरे स्थान पर आ गया है, पिछले 10 सालों तो आप तुलना करिए तो तीसरे तो कि दूसरे स्थान के आ गया कि उत्पादन करने आप उत्पादन की गति अपने की भारत की जी उत्पादन की गति है दूजे देशों तो की है कि अपने गति थोड़ी तेज़ हुई है ता ही अपना उत्पादन की होया कि जरूरत तो ज़्यादा उम्मीद तो ज़्यादा आप इधर बढ़ रहे हैं। तो आने वाले जोड़े साल 2025 के आप अंदाजा लीए उत्पादन की समर्था 30 करोड़ जोड़ा टन है ये टीचा अपना प्राप्त करने की उम्मीद है। तो ये विद्यार्थियों थोनों मैं एक भी दसा कि जिहड़ा ये कच्चे लोहे का उत्पादन है मिनिस्ट्री ऑफ स्टील द्वारा किया जाता है, ये विद्यार्थियों मेन उत्पादन केड़े केड़े है ये किस्म केड़ी केड़ी है इन का थोनों पता होना चाहिए कि किस्मों के पहली किस्म जिमें पहला बिच दसदा गया से थोनों वो बारे थोनों होना चाहिए पता होना चाहिए ज्ञान होना चाहिए है। उम्मीद करता हाँ कि विद्यार्थियों आज का लैक्चर थोड़ा बहुत पसंद आया होगा, तो इनू याद करो विद्यार्थियों परीक्षा के पक्षों जनरल नॉलेज के पक्षों कंपीटिशन के पक्षों ये जिन्हें भी क्वेश्चन है थोड़े लिए भविष्य के काम आ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।